हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग जानने वाले हैं कि जब लैंडर उससे रोवर निकलेगा तो वो 14 दिन क्या क्या करेगा। अब ये 14 दिन चंद्रयान पर अर्थ के एक दिन के बराबर है, और जिस समय लैंडर से रोवर निकलेगा उस समय सूरज की रोशनी वहाँ पर पड़ेगी तो उसका सोलर पैनल चार्ज होगा और जिस पर्पस के लिए गया है उसका जो मिशन है वो फुलफिल होगा। हेल्प ऑफ लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान। तो चलिए वन बाय वन हम लोग जानते हैं कि ये क्या करेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो रोवर विक्रम लैंडर के अंदर गया है वो 26 किलो का है और ये रोबोट वाहन है। ये 6 पहियों पर चंद्र सतह पर पहुंच गया है और इसमें स्पेशल लीवर लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये गड्ढों में नहीं फंसेगा और ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति पे चंद्रमा की सतह पर यात्रा करेगा। तो इतने धीमे जब वो चलेगा तो वो बहुत कुछ सर्च करेगा जिसके लिए इसमें पेलोड लगे हैं। तो 5 पेलोड लगे हैं रोवर और लैंडर को मिलाकर, और ये चंद्रयान 3 के दक्षिणी ध्रुव में लैंड हो गया है और सुरक्षित लैंड हो चुका है। जो 23 अगस्त 6:04 पर यह बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि वैज्ञानिकों ने अपने लैंडर को चंद्रयान पे विक्रम लैंडर लैंड करा दिया, जिसमें 5 वैज्ञानिक पेलोड लगे हुए हैं। अब ये यहाँ पर रिसर्च करेगा और डिफरेंट चीज़ों को ढूंढेगा जिस पर्पस के लिए वो चंद्रमा पे गया है। तो 14 दिन तक, चंद्रमा के 14 दिन तक वो सर्च का काम करेगा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की अपेक्षा बहुत कम दूरी पर बहुत धीमी स्पीड से चलता है, इसलिए पृथ्वी के एक दिन के बराबर उसका 14 दिन होता है और 14 दिन की दिन और 14 दिन का रात होता है। तो ये वहाँ पर जब रिसर्च करेगा तो जितने महत्वपूर्ण डेटा हैं वो आपको मिल जाएगा। जैसे ही इसने लैंड किया, इसने अशोक चक्र इसरो का लोगो बनाया, जो बहुत ही अस्वर्णिम समय था हम इंडियंस के लिए। विक्रम लैंडर में जो 3 पेलोड लगे हैं उसमें रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर रंभा लगा हुआ है। रंभा नाम का एक पेलोड है। चांद सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्ट लगा हुआ है दूसरा पेलोड, और इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी ILSA शामिल है। तीनों को अलग अलग काम सौंपा गया है। तो जो इसमें विक्रम लैंडर में 3 पेलोड हैं वो हमने आपको बताया। रेडियो एनाटॉमिक ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर रंभा जो है ये लेग मूवर प्रोब पेलोड है, जो कि सतह पर मौजूद प्लाज्मा आयन और इलेक्ट्रॉन्स के घनेपन और उसमें बदलाव का पता लगाएगा। तो वहाँ पर जो प्लाज्मा है उसका पता लगाने के लिए इसको भेजा गया है, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग रंभा कहते हैं। सूर्य की किरणों के कारण चांद की मिट्टी जल गई है, इसलिए प्लाज्मा का अध्ययन होगा, और इसीलिए चांद की मिट्टी जो है वो राख जैसी दिखाई देती है। चांद सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्ट, यह चांद की सतह पे तापमान को नापेगा, दूसरा जो आपका पेलोड है। उसके अलावा तीसरा पेलोड इंटरेस्टमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी है, ILSA है। यह लैंडिंग साइट के आसपास भूकंप की गतिविधियों को नापेगा। तो ये सब पेलोड के नाम हैं। पहला है रंभा, दूसरा है चेस, तीसरा है ILSA, जो कि भूकंप की गतिविधियों को मापने और चांद की खनिज संरचना को समझने के लिए सतह पर चित्रण करेगा। तो ये 3 तो विक्रम के हो गए। अब 2 पेलोड जो हैं वो रोवर में लगे हैं, जिसमें अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर
इंड्यूस्ड ब्रेकडून स्पेक्ट्रोस मीटर जो लगा हुआ है LIBS शामिल है। तो दो ये पेलोड जो हैं जिसमें अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, ये चांद की सतह के पास मिट्टी की और चट्टानों की संरचना, मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन पोटेशियम आयरन के बारे में जानकारी लेगा। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडून स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS दूसरा पेलोड है, यह चांद पर मौजूद तत्वों का विश्लेषण करेगा, साथ ही रासायनिक और खनिज संरचना को प्राप्त करने के अलावा उसकी पहचान करेगा। तो स्पेशली ये भेजे गए साइंटिफिक पर्पस के लिए, और वहाँ पे क्या खनिज पाया जा रहा है, क्या एटमॉस्फियर है वहाँ का, वहाँ भूकंप आ रहा है तो कैसे है, वहाँ के सेस्मिक कंडीशन कैसी है, इन सब चीज़ों को नापने के लिए भेजा गया है। 26 किलोग्राम का यह रोवर है, यह एक रोबोट वाहन और 6 पहियों की चंद्र सतह पर खोज करेगा। यह 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड गति से चंद्र सतह पर यात्रा करेगा। इसके पहिए अशोक स्तंभ की छाप है। जैसे जैसे रोवर चांद की सतह पर चलेगा वैसे वैसे अशोक स्तंभ की छाप चली जाएगी। तो इसके पहिए में उन्होंने बना रखा है अशोक स्तंभ, इसलिए वो जब वो चल रहा है तो उस पर अशोक स्तंभ की छाप बन रही है। तो ये बहुत अमेजिंग इन लोगों का इन्वेंशन है जो सारे इंडिया को हेल्प करेगा, और आगे इसमें यहाँ तक ये पहुँचा है तो आगे जो हम लोगों का आदित्य और भी जो सैटेलाइट लॉन्च होने वाले हैं, जो सूरज का, मार्स का और शुक्र का, ये सारी चीज़ों पे उनकी प्लानिंग है अपने सैटेलाइट भेजने की। तो धीरे धीरे इंडिया सारे ग्रहों के बारे में जान जाएगा और साथ में डेवलपमेंट भी होगा। और सबसे बड़ी खोज तो इस पर उन्होंने पानी की है, जिससे पानी की किल्लत जो होगी वो ख़त्म होगी। तो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर। थैंक यू।